आज बहुत पत्रकारों ने पूछा, इसलिए यहाँ आकर ही बाइट देना उचित समझा। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, इस पर अब देश ज्यादा ध्यान नहीं देता। उनको कहाँ भेजना, इसकी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक उन्होंने आरएसएस को बदनाम करने की एक मुहिम लगातार चलाई है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप आरएसएस का नाम ऐसा उछालोगे कि जैसे कोई आतंकी संगठन है या कोई ऐसा बदनाम संगठन है, ऐसी स्थिति नहीं है। देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है, इस देश के चरित्र निर्माण में संघ का योगदान है, और संघ ने, इनकी आकाओं ने, कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लाई थी तो लड़ाई लड़ी और इमरजेंसी को ध्वस्त करने में संघ ने भूमिका की। तो इसलिए संघ को अब देशभक्ति के पाठ दिग्विजय जी से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अन्ना हजारे जी का सवाल है, वो एक स्वतंत्र नेता है, अपना आंदोलन कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार का पर्यायवाची नाम बन चुका है। कोई कहे भ्रष्टाचार और कोई कहे कांग्रेस, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, और इसलिए कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे। आज भी सभी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का ही काम कांग्रेस कर रही है, और इसलिए लोग उनका विरोध करेंगे और वो हमें गाली देंगे, ये मुनासिब नहीं है और इसके कोई मतलब नहीं है। अपनी हताशा को छिपाने की ये कोशिश है। उनको सही में सवाल ये पूछना है कि सब लोग कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, और वो बीजेपी को पूछना चाहते कि आपकी कमीज हमसे साफ क्यों है। और इसलिए कांग्रेस का जो स्थिति है उस पर उनकी हताशा बोल रही है, इसलिए ज्यादा उसकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हम इतना ही कहेंगे कि बीजेपी और संघ के बारे में अनर्गल बातें करना छोड़ दे दिग्विजय जी। आपको कांग्रेस में क्या स्थान है क्या नहीं, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं वो देश को रास नहीं आता, और केवल अपनी एक पीलिया हुई व्यक्ति जिस तरह से बात करता है उसको सारी दुनिया पीली दिखने लगती है, वैसे आप बात कर रहे हो, और इसलिए इससे बचिए। और कोई ढंग से चर्चा होती तो उसके जवाब दे सकते थे। धन्यवाद। इंग्लिश सी टुडे आई वाज एसेंशियली हियर टू गिव अ ब्रीफ कमेंट ऑन व्हाट दिग्विजय जी इज डूइंग। एज यू नो फॉर लास्ट मेनी मंथ्स दिग्विजय जी इन हिज डेस्परेशन इज कॉलिंग नेम्स फॉर बीजेपी एंड आरएसएस ऑन एनी ओकेजन। टुडे ऑल्सो व्हाइल राइटिंग टू अन्ना हजारे He has chosen to do the same. We must warn him that if you have any real point, definitely you can put and we will discuss and we'll react. But your comments are jaundiced. You are seeing through those eyes, biased views. The Sangha, the RSS is the best and largest organization producing patriots and making people aware of the character, and it is in the efforts of character building throughout the country. And that is why to always demean RSS is untenable. And at the same time, to hide their own failure and the perception about Congress in the general masses, every time raking up BJP's name in the discussion,
बट पीपल नो वेरी वेल दैट कांग्रेस एंड करप्शन आर सिनोनिमस. सो पीपल नो दैट द वे कांग्रेस हैज कंडक्टेड एंड द वे दे हैव लूटेड इवन टुडे द HSBC बैंक अकाउंट्स डिटेल्स आर विद द गवर्नमेंट विच दे आर नॉट शेयरिंग विद द कंट्री. अडवानी जी इज ऑन यात्रा विच इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड दैट इज व्हाई वी कंडेम दिस दिग्विजय एफर्ट्स एंड अटरेंसेस बट वी डोंट नो वेयर टू सेंड हिम बिकॉज इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द कांग्रेस. थैंक यू. वेलकम वेलकम. Yes, it is only that we appreciate the efforts of the 14 eminent citizens of this country writing open letter to really all political class, but this is mainly to the ruling party. But let me tell you that it is only the BJP which came out with clear stand on the issue of Prime Minister to be included in the Lokpal bill, judiciary to be made accountable through a judicial commission, all bureaucracy should be made accountable on various platforms but under overall supervision of Lokpal, and we have also made our differences very clear. And so we are the party which emphasize and we want effective Lokpal bill, and we will definitely put all pressure and all our weight behind an effective Lokpal bill to be brought as early as in the winter session. ये उन्होंने चिट्ठी सार्वजनिक की है. He has said it, quoted it. नहीं, as a member of the PSC, I will not like to comment on this because the committee proceedings are not open, and that's an entirely different topic whether the committee should be made open to press or not. But as far as if somebody makes an open statement or if he has distributed letter, then I'll definitely comment. Nahi wahi bola hai kya, wo maine suna nahi. नो, मेड पब्लिक ऑफिशियली. और सी, संजय निरुपम विल हैव टू लुक विद हिम दैट हु इज मेकिंग सिलेक्टिव लीक्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी डेलिबरेशंस, वेयर इज लेटर गेट्स प्रीडोमिनेंस, वेयर इज डिमांड्स एंड हिज अटरेंसेस आर रिपोर्टेड इन फुल. सो हु इज ब्रीफिंग इज वेरी क्लियर. And those should really look within. Nani, जिस तरह से संजय निरुपम जी अगर कुछ कहा है तो मैं भी लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मैं उसके कार्यवाही के बारे में कोई टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं करूँगा, क्योंकि वो परंपरा के खिलाफ है और इसलिए वो मैं नहीं करूँगा. लेकिन अगर उनको ये है मल्लाल कि किस तरह से खबरें छप रही है, तो उनको गिरेबान में झांक कर देखना होगा, क्योंकि उनकी चिट्ठी छपती है, वो जो जो बोलते हैं वो छपते हैं, और बाकी जो कार्यवाही होती वो छपती नहीं है. तो इसके अंदर जाके उनको ही देखना पड़ेगा कि उनके कौन मित्र है जो, या वो क्या कर रहे हैं, कि वो जो बात कहते हैं वो वैसी की वैसी पत्रकारों को कैसे समझती है.
आज आडवाणी जी की यात्रा सिताब दियारा से बहुत ही सफलतापूर्वक हुई और इसका हमें बहुत खुशी है और आगे भी यात्रा सफलता रहेगी। आज केवल इतना ही था कि यहाँ 3-4 उपक्रम हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू।